हाय वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 5 सिविक्स, दैट इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। अपने पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से वुमेन के बारे में हमारे समाज में लोगों की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी है और वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके काम को वैल्यू नहीं दिया जाता और सिर्फ कुछ ही ऑक्यूपेशंस को उनके लिए सूटेबल समझा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है दैट इज फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो वुमेन के लिए जो ये लोगों की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी है कि वुमेन सब तरह के काम नहीं कर सकती हैं, कुछ ही कामों में वे परफेक्ट होती हैं और वही उनके लिए सूटेबल हैं, तो उससे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई हैं। तो अगर महिलाओं को सब तरह के कामों में घर से बाहर जा करके अगर उनको एजुकेशन की परमिशन नहीं दी जाएगी या उनको किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तो उससे क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाती है महिलाओं के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी को फिर हमने पढ़ा था, हमने एग्जांपल लिया था लक्ष्मी लाकड़ा। सो लक्ष्मी लाकड़ा जो थी, हमने इसके बारे में पढ़ा कैसे उन्होंने लोको पायलट बनके उन्होंने प्रूव किया, ब्रेक किया इस तरह की स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी को। तो ब्रेकिंग ऑफ द स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी जो है, लक्ष्मी लाकड़ा ने प्रूव किया कि वो भी एक वुमेन भी जो है ट्रेन ड्राइवर बन सकती है। फ्रेंड्स आपकी इस बुक में एक जेवियर स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसका नाम जेवियर है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जिसमें दिखाया गया है कि हमारी फैमिली में बच्चों के ऊपर फैमिली का कितना ज्यादा प्रेशर होता है। बॉयज के अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, गर्ल्स के लिए अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। जेवियर 10th क्लास के एग्जाम दिए, उन्होंने उनका रिजल्ट आ गया है तो उसकी वो बहुत खुश है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उसके हिस्ट्री में ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, मैथ्स में और साइंस में मार्क्स कम आए। जेवियर तो बहुत खुश है क्योंकि उसको तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और SST में उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये चीज पसंद नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो अपने बच्चे को टेक्निकल माइंड बनाना चाहते हैं, वो उसको इंजीनियरिंग की लाइन में डालना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी उनको बोलती है कि जेवियर यू शुड बी सेंसिटिव, देयर इज नो स्कोप इन सोशल साइंस, तो आपको साइंस और मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेने चाहिए थे, आपको इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके पास करियर ऑप्शंस कम बच जाएंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को कुछ ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, हमें बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, जो उनको पसंद है वो करना चाहिए उनको। हर बच्चे के अंदर हर तरह का टैलेंट नहीं होता, कुछ बच्चे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, किसी बच्चे को आर्ट्स स्ट्रीम अच्छी लगती है, किसी को साइंस स्ट्रीम अच्छी लगती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस तरह का परसेप्शन है कि बॉयज से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, गर्ल्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। गर्ल्स को बोला जाता है कि आपको बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा लड़कियों की ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर अंधेरा होने से पहले घर आ जाना चाहिए, लड़कियों को ऐसे बॉयज से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो लड़कों से और लड़कियों से अलग अलग तरह का फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, अलग अलग तरह के एक्सपेक्टेशन जो है बच्चों से होती है। सो फ्रेंड्स इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें ही बच्चों को जाना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है लर्निंग फॉर चेंज। देखिए आज से 100-200 साल पहले हमारा समाज बिल्कुल अलग था, उस समय इतने स्कूल्स नहीं होते थे, स्कूल्स में बच्चों को भेजना बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं समझा जाता था, बहुत ही रेयर, बहुत ही वेल टू डू जो फैमिली होती थी, अमीर जो लोग होते थे वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे। दूसरा फिर स्कूल इंस्टीट्यूशंस की संख्या भी बहुत कम थी, तो बहुत ही थोड़े बच्चे स्कूलों में जाते थे, ज्यादातर जो बच्चे थे वो अपने फैमिली ऑक्यूपेशन में ही जाते थे और उनको फैमिली ऑक्यूपेशन के बारे में ही ट्रेनिंग दी जाती थी, स्किल्स डेवलप की जाती थी। लेकिन उस जमाने में भी जब स्कूल्स की कमी थी बॉयज के मुकाबले, लड़कियों के लिए तो वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, उनको तो घरों में रहने की हिदायत दी जाती थी, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ देयर होम्स। तो ऐसे माहौल में और बाकी के जो फैमिली ऑक्यूपेशन होते थे उसमें भी वुमेन को कभी लीड रोल नहीं दिया जाता था,
जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक जो पोटर है, कुम्हार है, वो घड़े बनाता है, तो घड़े बनाने का जो मेन लीड रोल है वो मेल किया करते थे, जबकि मिट्टी बनाना, मिट्टी लेके आना, मिट्टी को प्रिपेयर करना, ये सारा सपोर्टिव काम महिलाओं से को दिया जाता था। तो उस जमाने में भी महिलाओं को घर में पुरुषों से के बराबर नहीं समझा जाता था, इनइक्वल समझा जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर में ऐसी बहुत सारी महिलाओं के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्होंने उस जमाने में, जब महिलाओं को घर से बाहर जा करके पढ़ने की परमिशन नहीं थी, इवन उस जमाने में तो लोगों की यह सोच थी कि जो महिला पढ़ी लिखी होती है वो अपनी फैमिली के लिए बैड लक लेके आती है। अगर वो शादीशुदा है और वो पढ़ेगी लिखेगी तो फिर उसका हस्बैंड मर जाएगा या फैमिली में अशुभ कुछ घटित हो जाएगा। इस तरह की महिलाओं को लेकर के इस तरह की विचारधारा जो हमारे समाज में थी। लेकिन ऐसे समाज में भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से, सेल्फ स्टडी करके, स्वयं के प्रयासों से अपने आप को समाज में स्थापित किया, एजुकेशन प्राप्त की, किताबें लिखी और लोगों को समझाया, ये प्रूव किया कि वुमेन आर नो लेस देन बॉयज, लेस देन मैन। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक है रामाबाई। रामाबाई महाराष्ट्र में एक वेल टू डू रिच फैमिली में इनकी शादी हुई थी, सॉरी, ये एक वेल टू डू रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो रामाबाई जो थी, चूंकि उस जमाने में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होता था, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता था, फिर भी अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से इन्होंने संस्कृत पढ़ना सीखा और संस्कृत में इन्होंने पांडित्य हासिल किया। उन्होंने इतना ज्यादा संस्कृत को इतने बेहतर तरीके से जो है स्टडी किया कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे संस्कृत में और बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह भी लिखी, तो उनको एक टाइटल दिया गया पंडिता। रामाबाई ने खुद अपना सशक्तिकरण करके, अपने आप को एम्पावर करके, फिर महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किए। उन्होंने 1898 में खेड़गांव, जो पुणे के पास है, खेड़गांव में 1898 में एक मिशन शुरू किया जिसमें विडो जो वुमेन होती थी, कम उम्र में जो विधवा हो जाती थी, या जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियां थी जिनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए लेकिन जो पढ़ने को इच्छुक थी, या जो महिलाएं मजबूर थी, हेल्पलेस थी, उनके लिए इस मिशन में बहुत सारे टेक्निकल चीजें उनको सिखाई जाती थी। टोकरी बनाना, कढ़ाई लिखाई करना, सीविंग करना, पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी स्किल्स डेवलप की जाती थी महिलाओं के अंदर। हाउ टू ऑपरेट द प्रिंटिंग प्रेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर टॉट इन दिस मिशन। तो इस तरीके से पंडिता रामाबाई ने पहले खुद संस्कृत लैंग्वेज सीखी, उसके बाद 1898 में खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पर जो महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, इक्वल हो गई हैं और उन्होंने अपना मेंटल प्रूव किया है, आज वो हर फील्ड में हैं, तो वो इनको गिफ्ट में नहीं मिला या ऑटोमेटिकली बाय बर्थ नहीं मिला, उसके लिए महिलाओं ने बहुत स्ट्रगल किया और अपने आप को प्रूव किया। सेकंड एग्जांपल है रसुंधरी देवी। रसुंधरी देवी एक रईस परिवार में इनकी शादी होती है, काफी लैंडलॉर्ड्स, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत लैंड उनके पास थी, काफी रिच फैमिली थी। लेकिन चाहे रिच फैमिली हो चाहे पुअर फैमिली हो, उस जमाने महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं समझा जाता था। तो ऐसा माना जाता था बंगाल में, इनकी फैमिली में, कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं वो बैड लक लेके आती हैं फैमिली के लिए, इसलिए महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन रसुंधरी देवी के जो हस्बैंड थे वो एक मैनुस्क्रिप्ट पढ़ा करते थे जिसका नाम था चैतन्य भगत। अब संत की एक, ये जो संत की एक कहानी है, किसी संत के ऊपर जो कहानी है, चैतन्य भगत के लिए संत है जो, उनके ऊपर जो कहानी है, उसको रसुंधरी देवी पढ़ना चाहती थी। लेकिन चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनके अंदर इतनी प्रेरणा थी, वो इतना खुद के अपने लिए खुद ही प्रेरणा स्रोत बनी और उन्होंने खुद पढ़ना शुरू किया। वो क्या करती थी कि उनके बेटे विपिन के जो अल्फाबेट वाली जो नोटबुक थी, उनका बेटा जो अल्फाबेट सीखता था, उसमें से पेज फाड़ लेती थी और छुपा लेती थी और उन अक्षरों खुद बना बना करके उन्होंने शब्द बनाने सीखे और पढ़ना लिखना सीखा। फिर इस तरीके से उन्होंने
वसुदेव देव ने सेल्फ स्टडी करके उन्होंने अपनी इस, फिर उन्होंने 1860 में अपनी बुक लिखी है अमर जीवन, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बताया है कि उनको सुबह से लेकर शाम तक तो कितने सारे काम करने पड़ते थे, बहुत कम समय मिल पाता था उनको पढ़ने के लिए, फिर भी उनके अंदर इतना ज्यादा मतलब पैशन था एजुकेशन को लेकर के कि उन्होंने खुद अपने आप को लर्न किया, खुद अपने आप को जो है एजुकेट किया, और उसके बाद 1860 में उन्होंने एक किताब लिखी अमर जीवन। तो फ्रेंड्स, आपने इन एग्जाम्पल से क्या सीखा, क्या देखा, आपने क्या समझा? आपने देखा कि महिलाओं ने अलग अलग समय टाइम पीरियड में अपने आप अपने पैरों पर खड़े होकर के पुरुषों से अपने अधिकारों को छीना है। उन्होंने बहुत सारी कंपेन की, बहुत सारी वुमेन मूवमेंट चलाई, बहुत सारे स्ट्रगल की, तब जाकर के आज हमने उनको अपने इक्वल कंसिडर करना शुरू किया है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ आपकी बुक में, रुकैया हुसैन, रुकैया शेखावत हुसैन, ये भी एक अमीर फैमिली में इनकी शादी हुई थी और ये भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, काफी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इनको पहले से ही उर्दू लैंग्वेज तो इनको पहले से ही आती थी, अरबी और उर्दू लैंग्वेज, लेकिन ये सीखना चाहती थी इंग्लिश लैंग्वेज, बांग्ला और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहती थी, लेकिन इसके पेरेंट्स ने इनको अलाउड नहीं किया था, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। कुछ परिवार जो पढ़े लिखे थे, जैसे इनकी फैमिली थी रुकैया शेखावत हुसैन की जो फैमिली थी, इन्होंने इनको पढ़ाया, लेकिन कंप्लीट जो है फ्रीडम इनको भी नहीं थी। ये चाहती थी कि मैं इंग्लिश सीखूं, बांग्ला सीखूं, लेकिन इनकी फैमिली इनको साफ मना कर देगी, नहीं, लड़कियों के लिए ज्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया इतना ही काफी है। लेकिन रुकैया शेखावत हुसैन कहां मानने वाली थी, उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर की सहायता से इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज सीखी, बहुत मेहनत की। उसके बाद 1905 में उन्होंने एक इमेजिनेशन, एक सपना देखा और उस सपने को उकेर दिया एक किताब में, उन्होंने एक स्टोरी लिखी सुल्तानाज ड्रीम, उसमें उन्होंने एक इमेज, एक ऐसे लैंड को इमेजिन किया जिसको कहा जाता है लेडी लैंड, उन्होंने उसको बोला लेडी लैंड। तो इस किताब में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से सपने में वो उस लेडी लैंड पे जाती हैं और पुरुषों से लड़ती हैं, फाइट करती हैं, पुरुषों के बड़े ही हाईटेक वेपन्स के होने के बावजूद भी वो पुरुषों को हरा देती हैं। वुमेन एरोप्लेन चला रही हैं, क्राफ्ट्स को उड़ा रही हैं, कार चला रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं और हाईटेक जो है होकर के पुरुषों को डिफीट कर देती हैं। तो इस तरीके की बुक में उन्होंने एक इमेजिनरी स्टोरी बना करके एक अलग ही तरह का सपना देखा जहां पे महिलाएं लीड कर रही हैं सोसाइटी को। तो रुकैया शेखावत हुसैन ने वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किया और कलकत्ता में 1910 में एक गर्ल्स स्कूल शुरू किया जिसमें गर्ल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स प्रमोट किए जाते थे या इनकलकेट किए जाते थे, उनको टीचिंग की जाती थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इस चैप्टर के अंदर ये फोर लेडीज के एग्जांपल है, लक्ष्मी लाकड़ा जिन्होंने कैसे स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके लोग को पायलट बन के दिखाया, इसके अलावा रामाबाई जिन्होंने खुद से अपने पेरेंट्स की सपोर्ट से जो है संस्कृत लैंग्वेज सीखी और पंडिता का टाइटल हासिल किया, फिर उन्होंने एक मिशन चलाया वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए। इसी प्रकार रसुंधरी देवी जिन्होंने लोगों की स्टीरियोटाइप सोच को बदला और अपने आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना लिखा सीखा और एक ऑटोबायोग्राफी लिखी अमर जीवन जिसमें वुमेन की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। फिर रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने भी इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेज सीखी और सुल्ताना ड्रीम करके लेडी लैंड की कल्पना की, एक किताब लिखी, स्टोरी लिखी और एक कलकत्ता में एक गर्ल्स के लिए स्कूल चालू किया। तो इस तरह से वुमेन्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पे अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए, वुमेन की हालत को, कंडीशन को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इस तरीके से महिलाओं ने अपने मूवमेंट्स को जारी रखा। यही नहीं, इसके अलावा बहुत से और भी तरीके हैं जिससे महिलाओं ने समाज में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और आज जो अधिकार वुमेन्स को दिए गए हैं ये अधिकार उन्होंने अपने मेंटल को प्रूव करके लिए हैं और जो है इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपनी पोजीशन अपनी मेहनत से बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि वुमेन ने अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए किस तरह के मूवमेंट्स को
चलाया है और कैसे उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को समाज के सामने रखा और किस तरीके से हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए और वुमेन को प्रोटेक्शन दिया गया, रिजर्वेशन दी गई और आज उनको सोसाइटी में इक्वल दर्जा दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।